आरोग्यश्री स्कीम में एंजियोग्राम शामिल पैकेज में इजाफे का फैसला। राज्यों आरोग्यश्री स्कीम के जरिए अब तिब्बी मसाइल और एंजियोग्राम, पार्कनेरिस बीमारियों और रीढ़ की हड्डी के हालात का अहाता किया जाएगा। इस फैसले से आरोग्यश्री स्कीम के तहत फिलहाल दस्तियाब इलाज के पैकेज की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। एंजियोग्राम, पार्कनेरिस की बीमारी और रीढ़ की हड्डी के हालात कवरेज में इजाफे के लिए कुल 497.29 करोड़ रुपए दरकार है। वजीरे खजाना भट्टी विक्रमार्कर ने फंड्स जारी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इलाज के नए तरीकेकार को राज्यों आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने और मौजूदा स्कीम्स के तखमीना पर नजरसानी करने के लिए एक इजलास तलब किया गया है। वाज़ेह है कि इस स्कीम के जरिए 2.84 करोड़ लोगों को इलाज व मालिजा में 10 लाख रुपए तक की माली मदद फराहम की जाती है। ये सहूलत रियासत भर में 1,402 हॉस्पिटल्स के जरिए फराहम की जा रही है। फिलहाल इस स्कीम में इलाज के 1,672 तरीके शामिल है। शामिल है तिब्बी माहिरीन की सिफारिशात की बुनियाद पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर इलाज के 1,375 तरीकेकार के लिए पैकेज की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। उसके अलावा 65 मजीद अमराज के इलाज के जदीद तरीकेकार बशमूल एंजियोग्राम, पार्कनेरिस की बीमारी और रीढ़ की हड्डी के हालात जो पहले आरोग्यश्री स्कीम के तहत नहीं आते थे उसका भी अब अहाता किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम के 98 इलाज के तरीकेकार को राज्यों आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने पर हुकूमत को तकरीबन 179.83 करोड़ रुपए इजाफी रकम खर्च करना पड़ेगा। इलाज के 65 नए तरीकेकार को शामिल करने से सरकारी खजाने पर 158.20 करोड़ रुपए के अखराजात में इजाफा होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इलाज के दौरान 497.29 करोड़ रुपए के इजाफी अलॉटमेंट को मंजूरी दी ताकि इन नजरसानी और नए तिब्बी तरीकेकार को फंड्स जारी किया जा सके। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें शमा न्यूज़ के साथ।